कैसे हो आप सभी, मैं रूपल कुमार आपके अपने परिवार दर्पण फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। इंग्लिश में से कहते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम ने क्या करा, दो आवेशों के ऊपर अपना एक प्रिंसिपल दिया, जो कैसे है वो इस प्रकार है। यहाँ पे क्या है, दो आवेश है, एक आवेश हमारा क्यू वन है और दूसरा आवेश हमारा क्यू टू है। और इससे जो स्मॉल आर दूरी पर एक आवेश हमारा क्यू जीरो स्थित है और इनके बीच क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आवेशों की प्रकृति के ऊपर। अगर चार्ज हमारा यो भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव है तो दोनों आवेश कैसे हैं, सेम प्रकृति के हैं, तो इनपे जो बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर आवेश ये भी माइनस का और दूसरा भी माइनस का, तब भी इसकी क्या है, प्रकृति सेम है, तो यहाँ पे भी कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस का और दूसरा माइनस का है तो इस पर हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन हमें यहाँ पे आवेशों की प्रकृति के बारे में नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पे कैसे फोर्स लेके चलेंगे, दोनों फोर्स लेके चलेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, जो फर्स्ट कंडीशन थी इसकी। और इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन R स्क्वायर के, ये इसकी सेकंड कंडीशन थी। अब इसे याद कैसे करेंगे कि भाई कूलाम्स का नियम क्या होता है, तो कूलाम्स का नियम क्या होता है, दो आवेश हैं यहाँ पे, यो Q1 है और यो Q2 है, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो जब इसका नियम बना देंगे तो इसका नियम कैसे बना देंगे, दो आवेशों के मध्य है, दो आवेशों के मध्य है लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोबारा देखो, दो आवेशों के मध्य है लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा क्या लगाएंगे, तथा आर क्या होती है, बीच की दूरी। आर क्या है, बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा देखेंगे हम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वंस मोर, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एट लास्ट वर्ग, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पे जब इसका नियम बनाएंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 फिर अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे निकल के आएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर इनटू K और यहाँ पे Q1 Q2 फिर अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर। और इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी क्या, न्यूटन। क्या निकल के आएगा एक बार दोबारा से देख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहां से कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, जो जहां K है इसे कहेंगे हम क्या, माध्यम का, माध्यम का परावर्तकांक, माध्यम का परावर्तकांक। और जो एप्सिलॉन जीरो है इसका नाम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो,
और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहाँ पे क्या काम होगा, सपोज करो हमने यहाँ पे किसके लिए निकालते हैं, वायु के लिए निकालते हैं, वायु के लिए या निर्वात के लिए, या निर्वात के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, k का मान 1 होगा, तो जैसे यहाँ हम रखेंगे तो f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 फिर अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, इसका 1/4πε0 का जो वैल्यू होगी वो होगी 9×10⁻¹। जैसे इसे उठाते हैं हम यहाँ पे पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू होगा 9×10⁻¹ q1 q2 फिर अपॉन r स्क्वायर। और इसका जो मात्रक होगा इसका न्यूटन। एक बार दोबारा से फिर से समझ लो कि कूलम्स नियम क्या है। कूलम्स ने क्या करा, दो चार्ज लिए, एक तो Q1 और एक Q2, और इनके बीच में क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा। यो फोर्स आकर्षण और प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आवेशों की प्रकृति पर। तो इसने क्या कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इन दोनों समीकरण को हमने एक जगह मिला दिया तो f समानुपाती q1 q2 फिर अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद ये समानुपाती हटाए, यहां से कांस्टेंट आ गया 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मात्रक इसका न्यूटन। k क्या होगा यहां पे, माध्यम का प्रतिरोधक, और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता। फोर अगर हम एयर की बात करते हैं या निर्वात के लिए बात करते हैं तो k का मान क्या होगा, 1। इसे 1 को काट के यहां पे पुट कर दिया तो f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻¹। इसे हम काट के हमने यहां पे पुट करा तो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास f इज इक्वल टू 9×10⁻¹ q1 q2 फिर अपॉन r स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।